नहीं देखें, जो आसिफ अली जरदारी साहब का आज के इंटरव्यू है और जितना क्लिप मैंने देखा है, मैं तो इतनी बात ही कह सकता हूं कि जरदारी साहब की शनाख्त एक ऐसे ही सियासी जमात के सरबराह की है जिसकी एक बड़ी हिस्ट्री है और एक बड़ी पॉलिटिकल रीजनिंग है उसकी, और उनका लबो लहजा हमेशा धीमा रहा है और उन्होंने जब भी बात की है कोई सियासी सूझबूझ की है जी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका प्रेशर एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब जैसे धीमे मिजाज के और एक बड़े रिकंसिलिएशन के हामी प्रेसिडेंट भी जो हैं वो अब अग्रेसिव टोन पर जाते जा रहे हैं। ठीक, तो इस पे जो भी सेनेटर साहब ने भी कहा उससे तो इस बात की निशानदेही होती है कि शायद कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उनके ऊपर करप्शन का चार्ज आ रहा है, या जो पिछले 5 साल में रहा और उनके साथ जो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी वो जिक्र करते रहे और जो इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट का उनके साथ रवैया था उसकी बुनियाद पर भी एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। लेकिन ये सारी चीजों की क्रिएटर नून लीग नहीं है। नून लीग ने किसी जगह पर भी इनके लिए ये केसेस क्रिएट नहीं किए, और अगर ये कभी किसी ऐसे दौर में हुए जिसका जिक्र ये करते हैं तो उसकी एक चेकर्ड हिस्ट्री है जो सीओडी से पहले की है, और सीओडी के अंदर कुछ चीजों के ऊपर तय पाया गया कि ब्लेम गेम से आगे निकलकर हार्ड फैक्ट्स और रियलिटी पर बात की जाएगी। अगर अभी किसी केस में जिसके अंदर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का कोई ऐसा जिक्र आता हो या उनके ऊपर कोई ऐसी छाप लगती हो तो वो मेरे मुशाहदे में तो कम अज कम नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जैसे शर्जील मेमन साहब का जिक्र हुआ कि वो कोर्ट से बेल लेकर आए थे और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं अगर उनके साथ आप अपनी बेल निगोशिएट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उनको हवा में इन एयर चीजों का पता नहीं चलेगा। एंड द मिनट दे टोल्ड दैट, और मैं कोई नैब का तर्जमान नहीं हूं, अगर आसिफ जरदारी साहब को नैब पर इतराजात हैं तो उनको वो इतराजात जैसे उन्होंने बिल की सूरत में उठाए हैं, इनकी असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तादाद मौजूद है, सिंध में इनकी हुकूमत और इनकी असेंबली मौजूद है, तो ये नैब की उन चीजों की निशानदेही करें। पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग जो है वो एहतसाब के अमल को हमेशा मुतासिर करती है, ये और तारीख गवाह है, हमने देखा है कि जब कभी भी इलेक्शन ईयर आता है तो एक तरफ से एहतसाब का शोर मचता है और दूसरी तरफ से सियासी बयानबाजी की हद तक एक दूसरे का पूरी तरह से कला कमा किया जाता है, और यही सूरत रही है एक सीसो की सिचुएशन के अंदर। और इसमें मैं आपको ये एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि नाउ अब इस बात से कि सियासी नारेबाजी करने के बाद आप ये समझें कि किसी का दामन जो है वो साफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कितनी मैग्नानिमिटी शो की है, उनके ऊपर वो इल्जामात जिनके अंदर उनको क्लियर इम्यूनिटी थी, मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं और मैं यकीन करता हूं लॉ के उन प्रोविजंस में जिनके मुताबिक ये सोसाइटी गवर्न होती है, उनको वो इम्यूनिटी अवेलेबल थी, मैं उनकी जगह होता डिसीजन लेने वाला तो मैं अपनी इम्यूनिटी प्लीड करता, मैंने नहीं की, मैंने अपने आप को पेश किया और मैंने वो कुछ सुना, मैंने अदालत के अंदर अपने बेस्ट एविडेंसेस दिए, लेकिन बाहर आके जो एमेच्योर्स थे जिनका तल्लुक कोई नहीं था, जिनकी लीगल प्रोपोजिशंस की हैसियत कोई नहीं थी, और वो लोग आके बयानबाजी करते रहे जिनकी कानून के साथ कोई तल्लुकदारी नहीं।